इंडियन डिपार्टमेंट आवाज दो लग रहेंगे लग रहेंगे लग रहेंगे लग रहे किसान यूनियन बॉर्डर किसान यूनियन भारत माता की बॉर्डर किसान यूनियन लग रहेंगे लग रहेंगे आवाज दो आवाज दो आवाज दो। आज का प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारी बिजली बार बार जो अनशेड्यूल कट लगने के उसके अगेंस्ट है। उसके भी ये कारण है कि जो बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं पीछे वो ओवरलोड चल रहे हैं। उनके ओवरलोड होने से जो हमारे रिसीविंग स्टेशन है ये भी ओवरलोड है, और रिसीविंग ओवर स्टेशन होने से जितनी हमारी जो जो आगे ये जो सब स्टेशन हैं हमारे वो सारे के सारे ओवरलोड होने से जमींदार की मैक्सिमम मोटरें चल रही हैं। एक तो नुकसान वैसे हो रहा है जो हमारी बिजली चल रही नहीं, दूसरा जो जो पर्सनल लॉस हो रहे हैं मोटरों के। तो इन सभी के अगेंस्ट हम ये गवर्नर को यहाँ ईमेल कर रहे करेंगे हम जहाँ जितनी कंसर्न अथॉरिटीज हैं MD जो है JKPCL वगैरह उनको कह रहे हैं हम कि काइंडली जब तक हमारे दो ग्रेड स्टेशन हमारे एरिया का ललियाना अपग्रेड नहीं होता और रामगढ़ बड़ा स्टेशन नहीं लगता एक न्यू क्रिएट नहीं होता तब तक ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा रहेगी। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा आज कि सबसे एक बड़ा सोर्स है यहाँ पानी का नहरें थी, नहरों में इतना पानी आता था कि बात मत पूछो। आज वही नहरें हैं वही पानी प्राकृतिक है सारा पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार जो इधर डीलिंग हमारा 36% पंजाब से समझौता है जो जो हमारी रावी कैनाल का वो भी कहने का बाब है वो बल्कि वो कुछ सरकार कोई नहीं कर रही। यही है कि हमारे इधर बिजली की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक तो जमींदार के पास खाली बिजली का साधन है, बिजली के अलावा जमींदार के पास कुछ नहीं बचा हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने फसल लगानी है नहर का तो इधर काम ही नहीं है, नहर का तो नाम ही नहीं है इधर अभी तक। तो मेरे ख्याल में जो अभी बच्चे हो रहे हैं उनको पता ही नहीं कि नहर का पानी भी होता था। मगर हम ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं हम उनके आगे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप तो बाहर से आए हो, आपको इधर JNK का पता नहीं है कि जमींदार क्या कर सकता है। हमारे पास कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट कोई फैक्ट्री वो नहीं है जहां जाके हम काम कर सकें, हमारे पास एक फैक्ट्री यही है कि हम अपनी जिम्मेदारी कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी की यही प्रॉब्लम है, अगर लाइट आएगी हमारा पंप सेट चलेगा तो हमारी जो फसल है धान की फसल है ये हो सकती है। आपको पता है धान की फसल के लिए कितना पानी चाहिए, मगर खाली दो महीने के लिए हम बिजली चाहते हैं, बाकी तो हमको बिजली चाहे जैसे मर्जी मिले हम खुश रहते हैं। खाली दो महीने के लिए हमें जो अभी ये टाइम चल रहा है ये लास्ट टाइम है, अगर अभी बिजली ऐसे कट रहे तो हमारी फसल तबाह हो जाएगी। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये दो महीने हैं जैसे भी हो सकता है हमारी बिजली चलाए, और हमें लाइन मैन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जो कि हमारे इधर लाइन मैन नहीं है। एक लाइन मैन था उसकी तो पूरे हाथ कट गया, पता नहीं प्रॉब्लम है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हमारी जो हमारे चीफ साहब हैं उनके अभी हम PDD उनके अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक लाइन मैन दिया जाए ताकि जो लाइट आ रही है कोई 5 घंटे 24 घंटे में तो उनको पूरी प्रॉपर टाइम से चल सके। जय हिंद सर। यहाँ की जो दिक्कतें हैं और जो मैं समझ रहा हूँ लग ऐसा रहा है कि जैसे हम लोग जिम्मेदारी नहीं कर सकते। अभी ये जो हालात गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए बनाए हैं उसका मेन उदाहरण जो यही है कि हमारी नहर में पानी नहीं आता, हमें लाइट नहीं मिलती, यही दो सोर्स हैं पानी के। तो पानी के बिना तो कल्टीवेशन करना संभव ही नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा दोनों हाथ जोड़ के अपनी पब्लिक की तरफ से और अपनी तरफ से भी कि सर अगर आप पानी हमें नहीं दे सकते तो हमारी लैंड को ड्राई लैंड घोषित करवा दिया जाए। इसके लिए हम पूरे एरिया वाले सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि वाकया हमारे लिए कुछ किया। मजबूरी में कह रहे हो? मैं मजबूरी में कह रहा हूँ, हम फसल ही नहीं लगा सकते, हमारी दाने ही लगती, तो कम से कम हम भी कोई काम कर लेंगे खुला डुल्ला, हम भी 2 कनाल 4 कनाल बेच के कोई इंडस्ट्री लगा लेंगे कोई काम कर लेंगे। हमें जो जमीन 1 कनाल बेचनी वो नहीं बेचने देते हमें।